दोस्तों बिग बॉस सीजन 18 के घर में वक्त हो चुका है वीकेंड के वाले एपिसोड का। और ऐसे में इस बार का वीकेंड का वाले एपिसोड तो आप प्रोमो देखकर ही समझ गए होंगे कि वाकई काफ़ी ज़्यादा धांस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर घर के कंटेस्टेंट ही नहीं बल्कि घर के कंटेस्टेंट के जो माताजी है वो भी कहीं ना कहीं इस बार बिग बॉस का गेम खेलने के लिए घर के अंदर आ चुके हैं। दरअसल दोस्तों यहाँ पर अविनाश और चाहत पांडे के बीच में हफ्ते की शुरुआत में एक बेहद ज़बरदस्त तरीके से झगड़ा हुआ था, जहाँ पर अविनाश ने चाहत पांडे को लेकर कुछ कमेंट्स पास किए थे, जिसके बाद में यहाँ पर जो है चाहत पांडे ने आधी रात के समय अविनाश के ऊपर पानी डाल दिया था। और इस बात को लेकर जो है घर के अंदर काफ़ी बड़ा विवाद भी हुआ था। हालांकि इस मुद्दे पर जो है कल के एपिसोड के दौरान सलमान खान पहले तो चाहत पांडे की क्लास लगाएंगे, लेकिन इसके बाद इन दोनों की यानी कि अविनाश और चाहत पांडे की मम्मी को आपस में बिठा कर इन दोनों की भी बहसबाजी करवाई जाएगी। एक और कन्फेशन रूम में दोनों चाहत पांडे और अविनाश बैठे होंगे, जबकि सामने की ओर उनके यानी कि एक्टिविटी एरिया में यहाँ पर अविनाश और जो चाहत पांडे की मम्मी है वो दोनों बैठकर आपस में चारों बातचीत करने वाले हैं। इस दौरान दोस्तों यहाँ पर दोनों की मम्मियाँ एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएगी, कहेगी कि आपने अपने बेटे को अच्छे संस्कार नहीं दिए। तो वहीं दूसरी ओर चाहत पांडे की मम्मी के ऊपर भी आरोप लगेगा कि उन्होंने अपनी बेटी को सही संस्कार नहीं दिए। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर बहसबाजी चलने वाली है। और इस दौरान जो है कहीं ना कहीं अविनाश जो है यहाँ पर चाहत पांडे की मम्मी को थोड़ा उल्टा सीधा कह देंगे और कहेंगे कि तमीज़ सिखा रहा हूँ, जिसके बाद में यहाँ पर जो है चाहत पांडे की मम्मी अविनाश को बुरी तरीके से लताड़ लगाने वाली है और कहने वाली है कि तुम कितने तमीज़दार हो, ये तो पूरा इंडिया देख चुका है तुम्हें, ठीक है, बाहर तुम्हारी कितनी थूथू हो रही है ये तुम बाहर आओगे तब पता चलेगा। और ये सुनकर कहीं ना कहीं अविनाश जो है वो काफ़ी घबरा जाएंगे बाहर की खबर जानते ही, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है कि बाहर अगर किसी का नाम खराब होगा, घर वालों को जब ये पता चलेगा तो वो थोड़े डिमोटिवेट तो होंगी। और ऐसे में अविनाश के आने वाला हफ्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है इस वीकेंड के बाद एपिसोड के बाद। फिलहाल तो देखना दिलचस्प होगा कि इस सारी जो है बहसबाजी का जो है नतीजा क्या निकलता है, कैसा रहेगा अगला हफ्ता इस नतीजे के बाद में, इस लड़ाई झगड़े के बाद, इस बहसबाजी के बाद। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है यहाँ इस पूरे मुद्दे में किसकी गलती है, कौन सही कौन गलत है, आप अपनी राय भी कॉमेंट करके जरूर बताइए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बन रही ताकि वीकेंड के वाले एपिसोड से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले।